get up, stretch my legs. Hey, good morning everyone, welcome back with the new vlog. And अभी बजे हैं दोपहर के 12, तो हम लोगों ने निकलने का प्लान बना लिया है, जो कि हम लोग पहले जाएंगे नुब्रा वैली, एंड नुब्रा वैली के बाद हम लोग जाएंगे पेंगोंग लेक, लेकिन हैरियर ने साथ छोड़ दिया तो उसे हमने पार्क कर दिया यहीं पे। इसको आगे देखते हैं क्या सोल्यूशन बनता है। और अभी मोंटेरो एंड जस्ट स्कॉर्पियो लेक हम लोग जा रहे हैं। आज से सफर शुरू होता है गरला की लेवल का, कोज मेरा अपना ड्रीम प्लेस है कि मैं जाऊँ पेंगोंग लेक एंड देखूँ अपनी आंखों से। कुछ फोटोज में बहुत बार मैंने देखा हुआ है इसको, तो मजा आने वाला है खूब सारा। अभी निकलते हैं, जल्दी से परमिशन करा लेते हैं। एंड हाँ, आप अगर आने का प्लान करें तो पेंगोंग लेक के लिए आपको परमिशन करानी होगी, जो कि 600 पर पर्सन है, एंड नुब्रा वैली की भी 600 पर पर्सन है। तो दोनों जगह घूमें, नुब्रा वैली जाए एंड उसके बाद पेंगोंग लेक, तो मेरी अकॉर्डिंग ये बेस्ट है। एंड अभी चलते हैं परमिशन कराते हैं। तो अभी पंगा हो गया, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, तो हम लोगों ने प्लान किया कि हम हैरियर भी लेके जा रहे हैं, सामान को बहुत जल्दी शिफ्ट कर रहे हैं। आगे का प्लान इस बार कैंसिल हो चुका है, बहुत बुरा लग रहा है लिटरली, लेकिन आप मौसम देख सकते हो। रोज अभी 3 दिन पेंगोंग लेक में बारिश आने वाली है, तो इसलिए अभी भी यहाँ पे शुरू हो गया, देखो बहुत तेज बारिश। तो उन्होंने बोला है कि रिकमेंडेड नहीं है कि आप लोग जाओ और ऐसे में फंस जाओ, तो गाड़ी भी ठीक नहीं है। तो अब हम लोगों ने प्लान किया कि श्रीनगर की तरफ से हम घर की तरफ निकलते हैं, कैंप करते हुए निकलेंगे, लेकिन क्योंकि सामान बहुत सारा है, यूज करना है सामान को एनी हाउ। इस बार हम पता नहीं किसका मुंह देख के चले थे पूरे ट्रिप में, बस एक चीज अच्छी हुई है कि हमारा शूट अच्छे से कंप्लीट हो गया। उसके अलावा हम लोग जो सोचते हैं कि आज ये करेंगे, सब उल्टा पुल्टा हो जाता है और इतना दिमाग खराब हो रहा है। तो हमने फाइनली सोचा है कि हम पेंगोंग लेक जाएं, जो कि अभी वो भी कैंसिल हो गया क्योंकि मौसम भी बहुत ज्यादा खराब हो गया है। तो आप देख सकते हो मौसम बहुत ज्यादा खराब है, तो सबने यही एडवाइस दी हमें कि आप मत जाओ वहां, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा पानी भर जाएगा। सो हमने कहा ठीक है, हम नहीं जाते हैं। फिर लास्ट हमारे पास ऑप्शन था कि अगर हम वापस मनाली की तरफ से जाते हैं तो वही सब आएगा जो हम देखते हुए आए हैं, इसलिए हमने सोचा कि हम अब की बार जाते हैं श्रीनगर की तरफ से, तो जम्मू भी पड़ेगा, कश्मीर भी पड़ेगा, तो हम सब जगह घूमते हुए जाएंगे। लेकिन हमारा जो सबसे तगड़ा प्लान था कि हमें लेक पे जाके टेंट लगाना है, वो पूरा स्पॉइल हो गया, पूरा ही, एक तो बारिश की वजह से, कुछ टाइम की वजह से। तो अभी हम देखते हैं श्रीनगर में अगर हमें कैंप लगाने का मौका मिला तो पक्का 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 लगाएंगे। तो अभी हम लोग खाना खाने के लिए आ चुके हैं यहाँ पे, एंड ये दो कॉपी बैठे हैं एक दूसरे की, देखो ये से यूवी से देख के कॉपी करता है बहुत, है ना यूवी? हमारी टीम के 3 बंदे जो ढेर हो चुके हैं, तो वो बाय फ्लाइट जा रहे हैं, तो हम कम लगेंगे अब आप लोगों को, लेकिन कोई नहीं। सो हम लोग खाना खा के निकल गए हैं, अभी डीजल डलवा रहे हैं, उसके बाद अभी कहाँ जाएंगे, कब रुकेंगे, क्या होगा, वो मैं सब 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 आपको अपडेट करती रहूंगी। तो अभी हम लोग हैं गुरुद्वारा पत्थर साहिब के बाहर, क्योंकि हमें यहीं से निकल के जाना था, बहुत ही प्यारा गुरुद्वारा साहिब है। तो अभी हम चलते हैं, प्रसाद के बाद चख लेते हैं, क्योंकि चाय का प्रसाद लगता है यहाँ पे, उसे चख लेते हैं चल के, कौन खुशी निकल मत्था टेक लिया था। एंड यहाँ पे फोटो वोटो अलाउड नहीं अंदर, इसलिए मैं आपको बाहर से दिखा रहा हूँ, दूर से दिखा रहा हूँ। तो ये है फेमस संगम नदी, जहाँ पे 2 नदियों का संगम होता है, आपस में कनेक्ट होती है, देख सकते हो आप, एक ये नदी यहाँ से आ रही है एंड एक वहाँ से आ रही है, ये कनेक्टिविटी है इनकी, लेकिन ये मिल नहीं रही है आपस में, आप देख सकते हो। हमारी एक गाड़ी पीछे रह गई, तो हमने उसके वेट के लिए गाड़ी को साइड में रोका है, और हम यहाँ बेर तोड़ रहे, बेर लगे हुए हैं यहाँ, इतने प्यारे, क्या है, बेर है क्या, आड़ू है क्या, आड़ू, बहुत टेस्टी फ्रूट है यार, और अगर ये मिल गए ना हमें सारे, बहुत ही प्यारे प्यारे आड़ू लग गए, तो हम आड़ू तोड़ने लग रहे हैं। ये हैप्पी भैया ने आइडिया दिया है, आगे आगे गाड़ी हमारी वो रही, आपका मजा आ रहा है, मेरा बहुत मजा आ रहा है, मैं भी व्लॉग बना रहा था, एक ही शॉट लिया, उसके बाद कोई शॉट नहीं। अभी हम रस्सा डाल के यहाँ से आड़ू तोड़ेंगे, देखते क्या होता है। जगह मिली थी हमें, वे देखने गए था, पूछती हूँ वहाँ पे क्या था, क्या भूतिया, कपड़े वपड़े पड़े किसी के, नहीं कोई रहता होगा ना, कोई नहीं रहता वहाँ, क्या बोल रहे, सारे जने चले ऊपर एक बार देख के, हमें दूसरी जगह से आड़ू मिल गए हैं, तो भैया लेने जा रहे हैं वहाँ से। सामने देख सकते हो आप कितना प्यारा सा गांव है, वाओ, आड़ू तोड़ेंगे हम। सो मुझे एक आड़ू मिल गया, भैया लटक रहे हैं, मौकी लटक रहे हैं, मौकी मौकी भैया, बहुत टेस्टी है उन्होंने, भैया बेर खाओगे, बेर वो गया सुख भाई तोड़ने वहाँ, भूतिया एरिया से बेर कान में तोड़ रहा। तो हमारे में सबसे डेयरिंग आदमी है जस भाई, ओ ये मेरे शेर, वन मैन आर्मी, तू कर सकता है औरों से बेहतर, यस ब्रो। यहाँ पे हमने रस्सी बांधी थी और उसके बाद जस भाई इस दीवार के सारे उतर गए, ये है वो, अब तो चाहे ना भी मिले, ओ, ओ, ओ मजा के। ओ, 1 किलो भर लो। अभी हमें बहुत देर बाद पता लगा कि हम एप्रिकोट खा रहे हैं, एप्रिकोट है ये, बहुत टेस्टी है ये, अलग है क्या, बहुत टेस्टी है, कितने दूर है वहाँ, चले और जाओ। ये वाली ब्रेड पता नहीं कैसी होगी, लेकिन जो रोड के उस साइड है वो बहुत टेस्टी है, तो हमें यही लानी है।
वो सामने है ना, तो ये वाला पेड़ है, आलू बुखारे भी यहाँ पे लगे हुए हैं। तो काश हमारी किस्मत चमक जाए, हमें आलू बुखारा भी खाने को मिल जाए, पिटाई भी हो सकती है गाइस, यहाँ पे ध्यान रखना। तो अभी हमारा आड़ू का लिफाफा ऊपर आ रहा है। अब हम इनको वॉश करेंगे। टोकरी है हमारे पास कोई? अभी देखो क्या चीज लाया हम इसके लिए। ओ हमारे पास सब है, सब कितने किलो है? 500 रुपए के दे दो, 50 के दो आएंगे, 50 के दो। तो ये मजा आ रहा है, बहुत ही मीठा है ये, बहुत ही मीठा। आड़ू 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 आड़ू। तो हमें आड़ू के साथ साथ सेब भी मिले हैं, जो भी वे खा रहे हैं छोटे छोटे। तो चलो अब चलते हैं यहाँ से। तो आज की कैंपिंग के लिए कुछ खाने का सामान ले लेते हैं, क्योंकि हमारे पास आटा वगैरह नहीं है जो कि मेन है खाने के लिए। तो आटा एंड राइस वगैरह कुछ ले लेते हैं, देखते हैं पनीर वगैरह भी कुछ मिलेगा। तो सामान हमने ऑलमोस्ट सारा ले लिया है, तो अब जल्दी से निकलते हैं, कैंपिंग करते हैं चल के। अभी किसी ने बताया हमें कि यहाँ से 2 घंटे का रास्ता, यहाँ हम कैंप लगा सकते हैं। तो हम वहाँ जाने वाले हैं, बहुत मजा आने वाला है। विवेक ने सारा ही सामान ले लिया जो हमें रात को खाने वाने में आएगा। तो वहाँ हम लोग मस्त चाय बनाएंगे, मैंने तो सुबह का प्रोग्राम ही सोच लिया। तो गाइस हमने अभी चेकिंग कर लिया, पीछे चेकिंग हो रही थी, तो अभी गाड़ी यहाँ पे रेस्ट कर रही है, गाड़ी यहाँ पे रेस्ट कर रही है। तीसरी गाड़ी में सामान निकाल रहे हैं, जो हमारा आज के यूज का सामान है, मसाले वसाले जितना भी सामान है उस गाड़ी में रखा हुआ है, वो निकाल लिया है। फिलहाल खाने की तैयारियां शुरू हो जाएंगी अभी से ही, लेकिन स्टे 2 घंटे बाद होगा, तो वहीं पे खाना खाएंगे, जब तक की तैयारी कर लेते हैं सारी। एंड हमें भूख लगी थी एकदम से, पता नहीं कैसे याद आया, कुछ ने बोला कुछ नमक का है, मैं क्या नमक का तो नहीं है, लेकिन एकदम से याद आया पत्थर साहिब गुरुद्वारा से हमने प्रसाद के रूप में चाय रख ली थी अपनी कैटल में, क्योंकि इसमें गर्म रहती है काफी देर तक, जिसका टेम्परेचर भी 75 डिग्री पहुंच गया है, आप देख सकते हो। तो कितनी गर्म हो रही होगी अभी चाय। चाय पीते हैं। जैसे क्या हुआ भाई? जैसे क्यों आया भाई? मैं चिकन खाता नहीं। तो अभी हमें यहीं पे गैस को चलाना पड़ेगा, कोज हमें वार्म करना था किसी चीज को। गैस भी हमारे पास बहुत इम्पोर्टेड है, ये देख सकते हो आप। ओहो अभी चाय आप देख सकते हो, चाय में धुआं निकल रहा है, इतनी गर्म है चाय। और ये बाबा जी की चाय इतनी टेस्ट है, इतनी टेस्ट है, बड़ी इलायची डाली है इसमें, मजा आ रहा है। और वहां पे चल रहा है प्रोग्राम, गैस चला के बैठे हम। तो गाइस जब आप आओ तो गैस भी लेके आना। तो अपनी डेस्टिनेशन को ढूंढते ढूंढते जहाँ पे हमें कैंप लगाना है, हमें ऑलमोस्ट रात हो चुकी है, ऑलमोस्ट क्या बिल्कुल ही रात हो चुकी है, बाहर का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हमें सेफ जगह ढूंढनी थी, यहाँ पे पानी भी हो और लाइटिंग भी हो थोड़ी बहुत। बट उसके पहले हमें पेट्रोल लेना बहुत जरूरी है, डीजल जो भी मिल जाए, बिकॉज जो जनरेटर है वो वर्क करना जरूरी है, क्योंकि रात लाइट भी चाहिए। और लाइट के बिना हम लोग रुक नहीं सकते, क्योंकि आपको पता है जितने भी पहाड़ होते हैं उनमें बहुत ज्यादा अंधेरा होता है। तो अभी पहले हम लोग ऑयल ढूंढेंगे, उसके बाद हम लोग फिर डिसाइड करेंगे मैं कहाँ लगाना है। तो अभी हम यहाँ पेट्रोल पंप पे थे, और यहाँ पे हमें लगाया हुआ है, जो भी ओनर होंगे यहाँ की, पेटीएम एक्सेप्ट हेयर। और अब अंकल कह रहे हैं जो यहाँ पे डीजल डालते हैं कि यहाँ पे चलता नहीं। सो अभी हमने रास्ते में डीजल लिया, और अब हम ढूंढ रहे हैं जगह कैंप के लिए कि कहाँ पे हम कैंप लगाएंगे। काफी रात हो चुकी है, अंधेरा भी काफी है, तो हम लोग सोच रहे हैं यही आसपास कहीं हम लोग टेंट लगा लें, क्योंकि पास में डीजल भी है, पास में नेटवर्क भी है। तो अभी हम लोग रुके हैं रास्ते में, क्योंकि हमें कैंपिंग की कहीं भी जगह नहीं मिल रही है, तो हम लोगों ने डिसाइड किया हम लोग कारगिल जाएंगे, और वहाँ के आसपास कहीं लोकेशन ढूंढेंगे। एक बार मन किया था कि उस साइड लगा लेते हैं कहीं कैंप, लेकिन वो ना बहुत शायद आपको लाइट में दिख नहीं रहा होगा अभी, लेकिन वो बहुत ज्यादा तिरछी जगह है, वहाँ पे कैंप सही बैठेगा नहीं। तो अभी और कहीं जगह ढूंढते हैं, ट्राई करते हैं। घंटे चलने के बाद आई थिंक ये जगह फाइनल हो चुकी है, कन्फर्म तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, तो मुझे लग रहा था वो जगह फाइनल हो चुकी है, बट नहीं, वो जगह बिल्कुल भी, मतलब वो उस पर बहुत सारे पत्थर थे, और मतलब ऊबड़ खाबड़ थी वो, तो उस पर टेंट तो मतलब कैंप तो लग ही नहीं सकता, तो और कोई जगह देखते हैं। सो इतनी मेहनत के बाद फाइनली 2-3 जगह देखने के बाद एक जगह हमें पसंद आ गई, बहुत ही सुंदर जगह है, लाइक मतलब चल जाएगा मानो काम। हाँ, तो यहाँ हम कैंप लगाने वाले हैं। तो अभी हम लोग खाना वाना बनाएंगे, क्योंकि बहुत भूख लग रही है, बहुत मजा है। हमारा मिक्सचर बिल्कुल रेडी है, बस खाना बनाना है हमें, ग्रिल करना जो भी सामान इनकी हमें मिल गया, हम गाड़ियाँ लगा रहे हैं, उसके बाद हम लोग अपने टेंट वेंट सब लगाएंगे। एक गाड़ी हमारी ये खड़ी है, ये खड़ी, और एक ये लगा रहे हैं। पहली बार बहुत ठंड है, और पास में हमारे बहुत रिवर जा रही है बड़े वाली, उसके बाद आ रही है छैन 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 छैन।
बहुत देर बाद हमारे कैंप का डिसाइड हुआ कि हम यहाँ पे कैंप करने वाले हैं। एक गाड़ी का फेस इस तरफ करा है, सामने वाली का इधर करा है, हैरियर का इस साइड करा है, तो बीच में लाइट की कमी नहीं रहेगी। अभी जनरेटर स्टार्ट कर देते हैं जिससे कि लाइट की कमी ना रहे। सामने भी लाइट है एंड बीच में रिवर है। सुबह व्यू दिखाता हूँ आपको ड्रोन से कि एक्चुअल में सिनेरियो है क्या। भाई सबसे पहले जो यहाँ पे पत्थर है इनको हम थोड़ा एडजस्ट करने का डिसाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे बारबेक्यू निकाल रहे हैं, तो बारबेक्यू निकाल के बारबेक्यू लगाते हैं यहाँ पे, कैंप लगाते हैं। और यहाँ पे हमने दो मजदूर लगाए हुए हैं, खुशी जी और ये सुकलोटे। और ये क्या है, ये पत्थर हटाने के लिए लगाए हुए हमने यहाँ। वैसे तो मैट भी जाके कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे सर्वाइकल की वजह से लग रहा है मुझे गाड़ी में सोना पड़ेगा। ये मेरा कैंप है और ये मेरी जगह है, मैं ही कैंप लगाऊंगा अपना। चेयर रख दो, चेयर निकालो भाई जल्दी जल्दी, रख लो चेयर निकालो सारी, जाओ खुशी हेल्प करो चेयर निकाल के लाओ, यूं चलो हेल्प करो। तो सबको मेहनत करनी पड़ रही है। चेयर्स भी हम लोग लेके आते, बहुत ही कंफर्टेबल चेयर है, इसके ऊपर इजीली आप बैठ सकते हो लाइक दिस। अभी आपको दिख रहा होगा देखो सुकु मामा क्या कर रहे हैं। सुकु मामा जी, ये पुराने जमाने वाली ट्रिक क्यों अपना रहे हो, किससे आग जल जाएगी। मैं फील कर रहा हूं कैसा लगता होगा उस टाइम। ओ आग जला दी, आग जला दी। ओ भाई साहब, मामा जी कितना सुंदर कैंप है ये। फाइनली जो मैं आपको बताती थी हम अपना घर बनाने वाले हैं, वो यहाँ पे हो रहा है। टेंट बन रहा है, वहाँ पे खाना बन रहा है, और मैं सबकी हेल्प के लिए लाल टीन लेके घूम रही हूँ और बहुत मजा आ रहा है। मैंने कोट पहन लिया क्योंकि ठंड लग रही थी, तो मेरे पति देव लगा रहे हैं टेंट। और यहाँ पे मैंने चेयर्स लगा दी हैं सारी। वैसे हम जनरेटर लेके आए हैं, उसमें हमने तेल भी डलवा लिया है, जब हमें जरूरत पड़ेगी ना तो हम उसको भी निकलवा लेंगे। मामी का थोड़ा सर्वाइकल का मतलब पेन होता है, तो इसलिए मामी शायद गाड़ी में सोएंगे। नहीं, मामा जी ने बोला मैं पोला करके दूंगा सोने के लिए, कंबल है एक्स्ट्रा हमारे पास। यहाँ पे टेंट रेडी हो रहे हैं और यहाँ पे हम लोग आग जला रहे हैं, और हमारे पास ना बड़ी कंफर्टेबल चेयर्स हैं जो हम लेके आए थे, इस पे बैठ के आराम से यहाँ खाना भी बनाओ और आग भी सेको, और बड़ा मजा आ रहा है। बस मेरा ड्रीम पूरा हो रहा है कि हम लोग कैंप लगाए, तो फाइनली वो हो ही रहा है। बहुत भूख लगी है, पहले भैया बनाएंगे कुछ तो हम खाएंगे। मैंने कहा जब तक मुझे गैस निकाल दो तो मैं एटलीस्ट चाय बना दूं, तो कुछ भी। हमारा जो गैस चूल्हा है बिल्कुल रेडी है, अब हम बर्तन निकालने वाले हैं और फिर कुछ बनाएंगे मैं और जस भैया। जिस सिचुएशन में सिंपल मैगी मिल जाए वही बहुत बढ़िया है, वहाँ हमारे साथियों को चाहिए तड़के वाली मैगी। मेरे पास है टमाटर, प्याज जो हमें लेके आए हैं, मैगी और गैस भी है। और अभी हम स्टार्ट करते हैं, मैं और भैया के ऊपर जिम्मेदारी है मैगी की, गुरु भैया के ऊपर जिम्मेदारी है चिकन बनाने की। कौन सा वाला चिकन बना रहे हैं आप? रोस्टेड चिकन। ओके, हमने वाटर प्रूफ मतलब ये जो शीट होती है ये लगा ली है, बिकॉज इससे जो बारिश बारिश आएगी हम गीले नहीं होंगे अंदर से, तो कितनी सही बात है ना मामा जी। अब अगर बारिश की अभी डर नहीं हमें। तो गाइस अभी जनरेटर भी चालू हो चुका है और बिल्कुल मजे आ रहे हैं। तो अभी यहाँ पे प्याज काटना शुरू हो चुकी है। कितनी प्याज काट दी आपने? दो प्याज काट। ये कैम भी रेडी एंड ये कैम भी रेडी। वाटर प्रूफ जो शीट है ये बिछ भी चुकी है, बट इस पे अभी बिछ नहीं रह रही है, तो इसको भी बिछा देते हैं। और बल्कि स्टूल स्टूल तो हमारे बिल्कुल सही है, बहुत कंफर्टेबल है। मतलब जो स्टूल है ये डीकैथलॉन से मिले थे, और आप भी लेना चाहो तो ले सकते हैं। मुझे लगा कि गोप्रो गिरा हुआ है, बट नहीं, इसका अभी टाइम लैप्स शूट कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पे हमारे दोनों कैंप रेडी हो चुके हैं, इसके ऊपर हमें ग्रीन वाला जो वाटर प्रूफ होता है ऐसे भी रखना है, कोज इसके बिना वाटर प्रूफ नहीं होगा वरने, तो जल्दी से इसको रख देते हैं। तो यहाँ पे हमारा गैस रेडी हो चुका है जो कि ऑटो गैस है, ये एकदम रेडी हो जाता है। अब हम तड़का मैगी बना रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे बारबेक्यू रेडी हो चुका है, माय गॉड, ये जरा चेक करो आप। तो यहाँ पे लाइट का भी बंदोबस्त कम था। हैप्पी भाई चला जला के दिखा दो एक बार सबको, ये देखिए यहाँ पे लाइट ही लाइट। अब गाड़ी की लाइट बंद कर दो भाई, सब गाड़ी की लाइट बंद कर दो। तो यहाँ पे जो है वो चल रहा है ग्रिल चिकन बाय गुरु सिद्धू, इधर चल रहा है फ्राइड मैगी बाय प्रीत कौर एंड सोई सिंह। हम हल्दी ढूंढने में लगे हैं और ठीक है, एंड हेल्पिंग हैंड है यू भी, एंड जस्ट मेरा भाई लाइट का जो मेन रोल है वो है जिसी के पास है, हैप्पी भाई के पास। सो गाइस अपने घर से इंतजाम करके आओ सारा, हम घर से इंतजाम करके आए तो पूरा मजा आ रहा है, अपना हर एक सामान लेके। मैगी बन के रेडी हो रही है ना मामी? दिस मैगी मेड बाय मी। कैसी लगी भैया? अभी भी एक अंदर टेंट में सो गए। कितने रुपए की है ये? 10 रुपए किलो। ओ भाई अभी मैं जा रहा हूँ कैंप के अंदर, अभी हम लोग आ चुके हैं कैंप के अंदर। मामा जी कैसा फील हो रहा है? लाइट का भी इंतजाम हो चुका है। सबसे अच्छी चीज ये है कि हम अपने साथ में जनरेटर कैरी करके लाए थे, और उसके साथ हम लाइट वाइट इजीली चला पा रहे हैं। बट वो हमें बताया गया था जान पूछ के कि वो साइलेंट है, बट वो बहुत आवाज कर रहा है। थोड़ी देर कर रहा है। तो अभी क्या हुआ ना कि हम लोग खाना खा रहे थे और यहाँ पे दोनों तक दोनों दो बॉडी बिल्डर के बीच में पंजा लड़ाया जा रहा है। दो प्रो ओ मेरे
टिकट दे। 10 रुपये यूवी। ये भाई 1000 रुपये दो। अब यूवी तू जा भाग के नदी में ना के आ जा। इतनी गहरी नदी में नीचे भग भग करता फिरूंगा। सबसे अच्छी चीज हमारे कैंप में क्या रही, मतलब जनरेटर चूल्हा, ठीक है, टेंट, टेंट, ओके, बारबेक्यू, ओके, यूवी और यूवी, पानी, पानी, चूल्हा, चूल्हा। अच्छा मैं रह, लेकिन मैं बी ओनेस बताऊँ, सबसे कूल चीज मुझे लगी जनरेटर, क्योंकि पता जनरेटर है तो सारी चीजें ऐसी लग रही है कि बहुत इजी है। एक तो ये लाइट आप देख लो, 10 मिनट नहीं चला सकते थे उसको हम, 10 मिनट भी। सबसे यूनिक तो सुख ने बताया यूवी, अगर यूवी ना होता अच्छा ना लगता। हमारे पास जो भी ब्लैंकेट, जो भी कंबल हम एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लाए थे, हम सब भी छा रहे अंदर, लाइट भी लगी अंदर, बहुत मजा आ रहा है एडवेंचर करने में। सो बहुत मजा आ रहा है, घर वाली फीलिंग आ रही है। हमने नीचे बहुत सारे 3 गद्दे बिछा लिए हैं, ऊपर ब्लैंकेट ले रहे हैं, एंड ये 4 बंदों का है, हम 3 बंदे सो रहे हैं, खुले खुले होकर सोएंगे, बड़ा मजा आएगा। मैं आपको दिखा देती हूँ। सो आप देख सकते हो विवेक पूरे 6 फीट के, उनके भी पैर बच रहे हैं हम पे, और हमने नीचे 1, 2 एंड 3, उसके नीचे फिर हमने वो जो योगा मैट होती है वो बिछा रखी है, पूरा मजा आ रहा है। क्या है मैं बताता हूँ मैट के, इसकी सॉरी कैंप की खासियत कि ये जहाँ पे ब्लू आप देख रहे हो ये सारा कम्प्लीटली वाटर प्रूफ है। उसके बाद इसके अंदर अगर आप सोते हो तो 10 डिग्री से 8 डिग्री तक का फर्क आता है, अगर बाहर 10 डिग्री है तो ये खुद ब खुद बिल्कुल ठंडी लग रही, जो मुझे लग रहा था। तीसरी चीज इसके अंदर वहाँ पे ऑक्सीजन के लिए दे रखा है, ऑक्सीजन निकलने के लिए। उसके बाद 4 वो जो ग्रीन शीट जो हमने बाहर लगाई हुई है वो कम्प्लीटली वाटर प्रूफ है, अगर बारिश बारिश आती है तो ये अंदर एक भी बूंद नहीं है। हेलो पड़ोसी। यहाँ पे हम लोग अपने अपने टेंट में घुस गए, ये मुर्गा कहाँ से जाग रहा है, जो कैंप कर रहे हैं और अपना जनरेटर लेके आए हैं। कुत्ते, विवेक बहुत टाइम से चाय मांग रहे हैं, मैं टाल मटोल कर रही थी सिर्फ इस वजह से कि सुबह हम चाय फिर बनाएंगे, बर्तन गंदा हो जाएगा। मैं सोने का बहाना भी मार के गई लेकिन ये मान नहीं रहे, तो चाय बनानी पड़ेगी। फ्राई पैन मैंने चढ़ा दिया, दूध हमारा आ चुका है, बजट बहुत हाई है इसलिए दूध का अमूल का दूध यूज कर रहे हैं, डिब्बे वाला। चाय का काम शुरू हो चुका है एंड खुशी ने सबको सर्व कर दिया, मेरी चाय आ चुकी है। ओए 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 इत्थे पाई, ओ इत्थे पाई, इत्थे पाई, ओ दोस्त इत्थे पाई माड़ा। खुशी मिले या गम बदलेंगे ना, गुरु भाई क्या कर रहे थे, मेरे करके दिखा दो प्लीज, दिल से पूरा बदलती रहे, हंसते हंसते कट जाए रस्ते। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग गाइस। रात बहुत हो गई, अब चल के सो लेते हैं। सोना भी क्या है, अभी थोड़ी सी बातें करेंगे हम लोग, तो आपके काम के आई थिंक नहीं है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग गाइस, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। Brush my teeth up, wash my face.